अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू साइमास कुकिंग सीक्रेट्स कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स उम्मीद है सब अपने घरों में खैर खैरूफियत से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए चिकन पुलाव की इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ ये मसाला चिकन पुलाव तैयार होगा आम चिकन पुलाव तो यखनी से तैयार होता है लेकिन ये बहुत ही मुख्तलि तरीके से मैंने बनाया और यकीन जाने ये पुलाव इतना मज़े का बना कि मेरे घर वालों को बहुत पसंद आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये रेसिपी मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं व्यूवर्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप प्लीज़ मेरी पूरी देखिएगा इसमें मैंने बहुत से टिप्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिससे पुलाव का जायका और भी ज़बरदस्त बन जाएगा चले जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले पुलाव का मैं मसाला पाउडर तैयार कर लूँगी मसाला पाउडर तैयार करने के लिए जो जो मैंने आ, मसाले लिए हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि वन टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है सौंफ मैंने वन फोर टी स्पून ली है काली मिर्च हाफ़ टी स्पून ज़ीरा जो है वो वन टी स्पून है और लौंग इसमें मैंने छः अदद दिए हैं बड़ी इलायची दो अददार चीनी के छोटे टुकड़े तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर हैं ये तमाम स्पाइसेस जो हैं ग्राइंडर में हम इनको ग्राइंड कर लेंगे और एक पाउडर सा तैयार कर लेंगे ये तो ये पुलाव मसाला पाउडर रेडी हो जाएगा चने पाउडर का मसाला तो रेडी हो गया अब एक पतीली लेते हैं इसमें हाफ कप मैंने ऑयल डाला है और दो मीडियम साइज़ के प्याज़ रफली चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दिए हैं ये प्याज़ जो हैं आपने डार्क गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करना है साथ साथ चम्मच चलाते रहना ताकि एक जैसा शेड सारे प्याज पर आए ये देखें प्याज़ गोल्डन ब्राउन हो गया है ये थोड़ा मैंने डार्क गोल्डन किया है इससे पुलाव में बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा अब इसमें चिकन डाल देंगे चिकन मैंने 700 ग्राम लिया है चिकन के कलर को चेंज होने तक अच्छी तरह आपने फ्राई करना है प्याज के साथ चिकन जब फ्राई करते हैं तो चिकन की खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाती है ये भी एक ज़बरदस्त मैं आपको टिप दे रही हूँ इस बात का आपने ख्याल रखना है कि प्याज के साथ इसको अच्छी तरह से फ़्राई करने के बाद दो तीन मिनट फिर चिकन का जब कलर चेंज हो जाए और चिकन का पानी भी खुश्क हो जाए इसका भी आप ध्यान करें कि चिकन का जब पानी खुश्क हो जाए तो फिर इसमें आपने अदरक लहसन का पेस्ट डालना है अदरक लहसन का पेस्ट डालने के बाद आपने दो मिनट तक चिकन को इसके साथ भी फ्राई करना है इससे चिकन की खुशबू और ही मज़ेदार हो जाती है यानी ये दोनों टिप आपने ख्याल से याद रखने हैं और इसी तरह आपने पकाना है ऐसी ही छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें तो जायका बहुत ही मज़े का बन जाता है अब चिकन जो है वो अच्छी तरह से लहसन अदरक में फ्राई हो गया है तो अब साथ साथ आपने पानी का छींटा लगाना है ताकि ये जो ऑयल है बहुत हीट अप हुआ होता है इसकी हीट ज़रा कम हो जाए फिर हम बाकी के स्पाइसेस इसमें डालेंगे इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि पहले आप दो तीन टेबलस्पून पानी डालेंगे फिर हम स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे उससे ये होता है कि स्पाइसेस जलते नहीं हैं तो फिर ज़ायका अच्छा बन जाता है मैं इसमें ढाई गिलास चावल मैंने लिए हुए जो मैंने भुगो के रखे हुए हैं चावल जो हैं वो ढाई गिलास अगर हैं तो नमक भी इसमें ढाई टी ही जाएगा यानी टू टी एंड हाफ टी स्पून ठीक है ना और इसी तरह इसमें सुरख मिर्च मैंने वन टेबल स्पून के बराबर डाली है और पुलाव का वो ख़ास मसाला पाउडर जो हमने शुरू में रेडी कर लिया था वो डाल दें ये भी तकरीबन ढाई टेबल स्पून के बराबर बन जाता है ये सारा आपने डाल देना है और दही मैंने फ़ाइव टेबल स्पून इसमें डाल दिए हैं अब इस मसाले के साथ चिकन को अच्छे से फ़्राई करना है टमाटर मैंने तीन लिंगे हैं मीडियम साइज़ के थे इनको छोटा छोटा काट के वो इसमें मिक्स कर दिया है और अब वन फोर्थ कप इसमें पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से टमाटरों को मिक्स करेंगे और इस पानी में टमाटर जो हैं वो पक कर मैश हो जाएंगे इसके लिए हमें कवर करके पतीली को दो मिनट के लिए इसको पकाएंगे दो मिनट में टमाटर गल जाएंगे ये देखें टमाटर दो मिनट में अच्छे से गल के मिक्स हो गए मसाले में अब इस मसाले को आपने खूब भूनना है यानी तकरीबन आमने पाँच से सात मिनट तक अच्छी तरह भूनना है कि ऑयल जो है वो थोड़ा लहदा नज़र आने लग जाए ये देखें चिकन के मसाले में ऑयल चमक रहा है इसका मतलब है चिकन अच्छे से फ्राई हो गया है चिकन अच्छे से फ्राई होगा तो यकीन करें पुलाव भी आपका मज़े का बनेगा अब मैंने चूँकि ढाई गिलास चावल लिए हुए हैं तो डबल पानी डालना होता है पुलाव में तो पाँच गिलास मैंने पानी लिया है ये अब इसमें डाल दें पानी उबलने लगे तो उसके 10 मिनट बाद तक हम चिकन की कुकिंग करेंगे ताकि चिकन अच्छे से गल जाए व्यूवर्स चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं अब हम चिकन को चेक करते हैं ये देखें चिकन अच्छे से गल गया है अब इसमें ढाई गिलास चावल जो मैंने आधा घंटा पहले भिगो कर रखे थे वो सब शामिल कर दें और चम्मच की मदद से इनको मिक्स कर दें अच्छी तरह से अब मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और पानी खुश्क होने तक चावल पका लें इस बात का भी यही ख्याल रखना है कि यही वो टाइम होता है जब आप चावल डालने के बाद चम्मच चला के मिक्स करते हैं तो नमक चेक कर लें पानी में नमक अगर हल्का हल्का तेज़ हो तो वो ठीक होता है वो चावलों में रच के बराबर हो जाता है अगर आपको इस टाइम पे नमक कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल लें मैंने भी वन फोर टीस्पून नमक इसमें और डाला है मुझे थोड़ा कम लगा था चावलों का पानी खुश्क हो गया है अब चावल चेक करते हैं तकरीबन हाफ़ से ज़्यादा कुक हो गए हैं चावल यानी ये समझे कि दो कनी के बराबर चावल रह गया अब फ्लेम को मैं बिल्कुल लो करके चावल दम पर लगाने हैं लेकिन दम पर लगाने से पहले इस टाइम मैं इसमें कुछ सब्ज़ मिर्चें चार तकरीबन ली हैं और सब्ज़ धनिया आधी गड्डी ली है ये मिक्स कर दें लास्ट मोमेंट में ये मिक्स करने से आप यकीन करें कि पुलाव में इतनी प्यारी सब्ज़ मिर्च की खुशबू आती है कि मज़ा आ जाता है अब इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने 10 मिनट का दम लगा दें 10 मिनट हो गए हैं चावल देखें बिल्कुल रेडी हैं और ये जो सब्ज़ मसाला हमने बिल्कुल आखिरी टाइम पे डाला था इसकी इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अब मैं इसे और ये देखें चावल भी बिल्कुल गल गया है और इसका कलर देखें पुलाव का कितना अच्छा आया है अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे ये देखें ज़बरदस्त सा मसाला चिकन पुलाव रेडी है उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी ख़ास तौर पर ऐसे पुलाव के साथ प्याज टमाटर और सब्ज़ धनिए दही वाला रायता बहुत ही मज़े का लगता है और खान, खाने में बहुत मज़ा आता है उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दें बहुत जल्द इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाज़त दें अल्लाह हाफिज़